तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप किस तरह से अपने डिवाइस में MIUI 12 का जो चाइना रोम है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह से MIUI 12 का जो चाइना रोम है उसमें आप गूगल प्ले स्टोर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो उसके लिए बस सिंपली आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जो गेट एप्लीकेशन है इसे आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसे आपको एग्री करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली सर्च बार में आपको टैप कर देना है गूगल, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। गूगल टाइप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च पे टैप कर देना है। सर्च पे जैसे ही आप टैप करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको गूगल का कोई भी एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको टैप कर देना है। जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जो चाइनीज में लिखा हुआ है। यहाँ पे गूगल का जो प्ले स्टोर का लोगो है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे एक बार टैप करना है, उसके बाद यहाँ पे गेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड होगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तब तक ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ओपन पे टैप करना है। जैसे ही ओपन पे टैप करेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे जो चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे आपको टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी गूगल का सर्विस वगैरह है यहाँ पे सब कुछ डाउनलोड कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे गूगल का बहुत सारे एप्लीकेशन ये डाउनलोड होगा, और यहाँ पे आपको अलाउ एक्सेस करना या अलाउ ऑलवेज करना है। तो इस तरह से ये इंस्टॉल होने लगेगा। तो यहाँ पे आप मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद डन कीजिए, बैक कीजिए, धीरे धीरे डाउनलोड होते रहेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो वेट कर लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपका वाईफाई से कनेक्ट नहीं है तो आपको भी ऐसा दिक्कत हो सकता है कि ये डाउनलोड होते होते रुक जाएगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको नोटिफिकेशन को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड साइज रिक्वायर्ड WLAN यानी कि वाईफाई, तो यहाँ पे आपको टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे रिज्यूम पे टैप कर देना है और डाउनलोड कर लेना है कुछ इस तरह सा। तो इसे डाउनलोड होने देते हैं, बैक आ जाते हैं। उसके बाद इंस्टॉल पे टैप करना है, इंस्टॉलिंग प्रोसेस ऑन हो जाएगा। तो इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो ओपन कर सकते हैं या तो फिर होम प्रेस करके आ जाइए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको प्ले स्टोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे उसके बाद ये आपका जो भी जीमेल आईडी है उसे आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जीमेल में फटाफट टाइप कर देता हूँ। तो ईमेल टाइप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ओपन करना है। तो फर्स्ट सेटअप में आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक दो बार रिट्राई करना होगा या तो फिर आपको जो गूगल प्ले स्टोर का लेटेस्ट वर्जन है उसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं कोई भी एक एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यूट्यूब में मैं टाइप करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब पे आप टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करके यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो इस तरह से आप चाइना रोम में गूगल प्ले स्टोर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि आप किस तरह से MIUI 12 से MIUI 11 में रोल बैक हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल को भी सिलेक्ट कर देना है मेरे वीडियो सबसे आगे देखने के लिए। थैंक यू।